can add it later. अरे अरे कैमरा तो मत लाइए भाई साहब। आराम से पीछे आइए भैया, गार्ड का फोटो तो आने दीजिए। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन अभिनंदन। आपने दो अति महत्वपूर्ण किताबें लिखी है, जैसे आगे का अवधारणा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में समस्त पदक को उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का परिसर 200 5,25,000 शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में 2,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप, फ्रीशिप तथा रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालय ने इस वर्ष NAAC A++ ग्रेड 3.66 स्कोर के साथ प्राप्त किया है। साथ ही द्वारा जारी किए गए इंडियन रिसर्च एक्सलेंस साइटेशन अवार्ड 2023 जो वेब ऑफ साइंस में उच्च कोटि के 792 पब्लिकेशंस के आधार पर भारत ने चौधरी जिसमें 2500 लाभार्थी रहे और 12 लाख का व्यय हुआ। विश्वविद्यालय में PhD कोर्स से 384 छात्र द्वारा प्रवेश किया गया। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक्सचेंज प्रोग्राम से साइतामा यूनिवर्सिटी जापान, टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान, सेजू कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, पिट्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, टू एंकर एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए एंड क्वांगबोम यूनिवर्सिटी सोल कोरिया के साथ मिलकर। अमीशा पटेल एमए जेएनसी शिवानी एम ए हिंदी सामने 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 भावना शर्मा एम ए राजनीति विज्ञान एक मिनट मैडम मैडम एक मिनट चलो चलो इधर आ बेटा इधर आ जाओ बीसी मैम बीसी मैम जानकी कुमारी एम ए मनोविज्ञान क्या प्रशांत कुमार एडवांस डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर मुस्कान गोयल डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज कुमारी अंजु शर्मा डिप्लोमा इन ज्योतिर्विज्ञान राहुल शर्मा डिप्लोमा इन कर्मकांड
पीजी डिप्लोमे में आपदा प्रबंध प्रणाली, अंकिता श्रीवास्तव एमआईडी, शोभा रानी एमबीए, वैशाली प्रदेश बीकॉम ऑनर्स, प्रभात सैनी इंटीग्रेटेड एमबीए एचए, स्वाति चौधरी एमपीएड, रश्मि सिंह एमएड, शालिनी शर्मा बीटीएड, प्राची बीए केएड, रोहिणी मलिक बीएलएड, वंदना वर्मा बीएड, सोनी बघेल एमसीए, स्नेहा शर्मा बीटेक कंप्यूटर साइंस, हासिल हुई उन माता पिताओं को भी जिन्होंने अपने प्रयासों से, जो पारिवारिक प्रयास होते हैं, उनको सहयोग देकर इस उपलब्धि हासिल करने में एक योगदान दिया। साथ में ही यहाँ की कुलपति और पूरी उनकी टीम को, जिन्होंने एक विश्वविद्यालय उपलब्धियां हासिल कराई है, उनको भी, उनकी परिश्रम को भी, उनकी निष्ठाओं को भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। शिक्षा के बाद दीक्षांत समारोह होता है। शिक्षा क्या और दीक्षा क्या है, यह समझना जरूरी है। शिक्षा के लिए गुरुमूर्ति जी ने लिखा है कि शिक्षा वह नहीं है कि सिर्फ उपाधियां हासिल करें, यानी चलती भाषा में क्या डिग्री हासिल करें। शिक्षा वह है जो मानव जीवन के सर्वांगीण विकास को देती है। शिक्षा वो है, वो उसका समाज के प्रति दायित्व का बोध कराती है, और शिक्षा वो है जो मानव, ऐसा मानव तैयार करे जो समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित का भाव रखता है। यह शिक्षा है। और जो दीक्षा है वो आचरण से देना ज्यादा संदेश देता है। हमारी महामहिम आचरण से संदेश देती है। अभी ये जल से उद्घाटन हुआ, इसके माध्यम से जो समाज को संदेश है, आने वाली नस्लों को, विद्यार्थियों को संदेश है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। जल है तो कल है, और जल है तो जीवन है, इसलिए जीवन को संचय करके रखना चाहिए, बूंद बूंद बचाना चाहिए। यह संदेश आचरण से संदेश देना यह महामहिम की विशेषता है। कोई भी व्यक्ति आदर्श की बात कर सकता है, बहुत आसान है किसी के लिए भी करना। आदर्श को आचरण में लाना ये उसको थोड़ा कठिन, और आदर्श को आचरण पर लाते हुए संदेश देना, समाज को एक ऐसी टीम तैयार करना जो उस पर आचरण करे, उस आदर्श का पालन करे, यह सबसे कठिन काम है जो महामहिम जी करती है। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पुस्तक, फल, मिष्ठान इत्यादि का वितरण कराने का अनुरोध करने की कृपा करें। मारे